10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाय व्यूअर्स, मैं कामरान अहमद खान आप सभी का अपने ग्रुप ब्रेव इंडिया तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज किसी बिना देरी के अपनी टॉपिक के रुख करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस डॉस। सबसे पहले हम जानेंगे एमएस डॉस होता क्या है और कुछ कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एमएस डॉस का फुल फॉर्म। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब पहले जमाने में विंडोज 7, विंडोज 10 ये सब नहीं होते थे तो हम एमएस डॉस का यूज करते थे, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। चलिए अब हम जानते हैं एमएस डॉस ओपन कैसे करते हैं। एमएस डॉस ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले विंडोज आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडोज प्लस आर क्लिक प्रेस करेंगे वैसे ही आपको ये रन डायलॉग बॉक्स खुला हुआ मिलेगा। उसमें आपको लिखना है CMD और इंटर प्रेस कर देना। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपका एमएस डॉस ओपन हो चुका है। अब इसके साइज को बड़ा करने के लिए मोड 200 इंटर प्रेस करते हैं तो इसका साइज अब देख सकते हैं पहले के मुकाबले बड़ा हो चुका है। अब हम सीखते हैं फाइल कैसे बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी स्पेस कॉन फाइल का नाम इंटर करेंगे। अब इसके अंदर आप कुछ डाटा डालना चाहते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंडिया इज माय कंट्री। अब यह आप कंट्रोल जेड से या F6 से सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। आपका सिस्टम पर लिख देगा वन फाइल कॉपी, इसका मतलब आपकी एक फाइल कॉपी हो चुकी है। अब इसको देखने के लिए आप टाइप स्पेस जो का नाम था उसको आप लिखें, इंटर क्लिक करें तो आपका जो मैसेज लिखा हुआ था वो आ गया। अब हम इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप रेन स्पेस पुरानी फाइल का नाम और न्यू नाम, उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दें तो आपका नाम चेंज हो चुका है। इसको देखने के लिए आप टाइप कंट्री जैसे लिखेंगे द सिस्टम कैन नॉट फाइंड अ स्पेसिफिक फाइल, मतलब इस सिस्टम पर जो फाइल थी पहले वाली हट चुकी है। अब जो नया नाम दिया उसको हम देखते हैं टाइप ब्रेव। इससे रेन कमांड की मदद से हमने पुराना जो नाम था उसको चेंज कर दिया। अब हम सीखते हैं कॉपी करना। कॉपी ब्रेव इंडियन, जैसे हम क्लिक करेंगे उसमें लिखा वन फाइल कॉपी, मतलब ये फाइल कॉपी हो चुकी है। टाइप ब्रेव इंटर करेंगे तो मैसेज लिखा हुआ मिल गया। अब इसके बाद टाइप इंडियन जैसे ही प्रेस करेंगे दोनों में फाइल कॉपी हो चुकी है। अभी सिस्टम पर से ये सब हटाने के लिए CLS का यूज करते हैं। जैसे CLS इंटर प्रेस करेंगे ये सब हट चुका है। अब हम जानते हैं फोल्डर कैसे बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए MD जो फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो रख लें, उसके बाद इंटर प्रेस करें, आपका फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD जो फोल्डर का नाम रखा वही फोल्डर का नाम प्रेस करेंगे, आप इस फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। उसके बाद आपको अगर इस फोल्डर को हटाना है तो CD डॉट डॉट का यूज़ करेंगे तो आप वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमने
टोटल कितनी फाइल और कितना फोल्डर है। इसके लिए DIR का इस्तेमाल करते हैं। DIR इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा 8 फाइल 25 डायरेक्ट्री, मतलब 8 फाइल है 25 फोल्डर हैं। हमने जो नाम दिया था ब्रेव वो सब मौजूद है। उसके बाद अब आप टाइटल कमांड सीखते हैं। टाइटल आइकॉन प्रेस करते ही आपका टाइटल चेंज हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम सीखते हैं प्रॉम्प्ट कमांड। प्रॉम्प्ट कामरान @ali इंटर करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट काम वही होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट आपका चेंज हो चुका है। अब इसके बाद हम सीखते हैं कलर चेंज करने की। कलर जो फर्स्ट जैसे 2 ये बैकग्राउंड के लिए हो गया और 5 ये टेक्स्ट के लिए हो गया, वैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कलर चेंज हो गया। इसी के साथ हम लास्ट ख़त्म बंद करने के लिए एग्जिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। एग्जिस्ट जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका कमांड बंद हो चुका है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।